हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल आज़ाद कट हेयर। इस वीडियो में मैं जूट की रेंडरिंग सिखाऊंगी। अगर आपको जूट का टेक्सचर क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये बताऊंगी मैं इस वीडियो में। गाइज, रेंडरिंग स्टार्ट करने से पहले जूट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जूट फाइबर जो है वो जूट प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है और बहुत सारी कंट्रीज प्रोडक्शन करती हैं जूट की, बट जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं जूट के वो हैं इंडिया एंड बांग्लादेश। जूट को द गोल्डन फाइबर भी कहा गया है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल गोल्डन कलर एंड सिल्की शाइन। यूजेस ऑफ जूट की अगर बात करें तो जूट के बहुत सारे यूजेस हैं। रोप्स बनती हैं इसकी, जूट के मैट्स बनाए जाते हैं, फ्लोर मैट्स बनाए जाते हैं, गनी सैक्स बनते हैं इसके जो कि हम सब ने मार्केट में देख रखे हैं, गनी बैग्स बनते हैं जूट के जो कि ऑफिशियल पीपल ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर कीपिंग वाटर बॉटल्स एंड टिफ़न्स। और डिफरेंट डिफरेंट तरह का हैंडीक्राफ्ट भी क्रिएट किया जाता है जूट को यूज़ करके। एग्रीकल्चरल सेक्शन में भी जूट का बहुत यूज़ होता है। अब अगर फैशन एंड अपैरल की बात करें तो जूट को अदर फाइबर्स के साथ, अदर यार्न्स के साथ ब्लेंड करके गारमेंट्स भी क्रिएट किए जाते हैं। साड़ीज़ बनती हैं इसकी, कुर्तीज़ बनती हैं, ड्रेसेस बनती हैं, जैकेट्स बनती हैं इसकी, और जो फुटवेयर बनते हैं जूट के वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी होते हैं। और ऐसे बहुत से फैशन शोज़ भी हो रखे हैं जिसमें डिज़ाइनर्स ने जूट की कलेक्शन प्रेजेंट करी है। गाइज, जूट फाइबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चीप एंड अफोर्डेबल है, और जो मेन प्रॉपर्टी है जूट की वो ये है दैट इट इज़ इको फ्रेंडली। ये रिसाइकलेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, सो इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो गाइज, जूट हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल फाइबर है, जिस तरह से कॉटन है और कुछ बाकी अदर फाइबर्स भी हैं। एंड वी नेवर नो कि कब हम कुछ ऐसा डिज़ाइन करें जिसमें हम जूट यूज़ करें। सो लेट्स सी कि जूट का टेक्सचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, ताकि आप अगर कोई भी बैग डिज़ाइन कर रहे हैं, गारमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जूट का टेक्सचर आप क्रिएट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है कि हमने बेस कलर ऐड करना है, और इसके लिए हम नॉर्मल पेंसिल कलर ही यूज़ करेंगे। मस्टर्ड शेड जो है हमारी नॉर्मल पेंसिल कलर का, हम वो अप्लाई कर देंगे, और बहुत ही हल्का हल्का अप्लाई करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं अप्लाई करना, क्योंकि बाद में हमने ऑलरेडी डार्क कलर अप्लाई करना है, तो बेस हम अपना थोड़ा लाइट ही रखेंगे। और जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसके लिए हमें चाहिए स्केल और कंपास। एंड What we have to do is scale और compass को use करके हम vertical lines लगा देंगे, बहुत ही कम gap रखेंगे lines के बीच में, और जो भी हमारा garment है या जो भी हम product design कर रहे हैं उसकी silhouette के under जहाँ पर भी हमने base color add किया है पूरे पे हम vertical lines draw कर लेंगे। basically हमने एक check pattern बनाना है, तो चेक पैटर्न बनाने के लिए पहले हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, वर्टिकल्स मैंने ड्रॉ कर ली हैं। और ड्रॉ करने का तरीका यही है कि इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग पेंसिल वी विल यूज़ अ कंपास टू ड्रॉ दी लाइंस, और इस तरह से कंपास को चलाना है कि जो पेज है वो फटना नहीं चाहिए, बट जो लाइंस है वो भी थोड़ी अच्छे से लगनी चाहिए, हल्का हल्का कंपास नहीं चलाना है। सो इट्स बेटर गाइस कि आप पहले ही थोड़ी थिक शीट यूज़ करें, आइवरी शीट यूज़ करें, ताकि पेज ना फटे। और ये पैटर्न देख सकते हैं अब आप, लाइंस आर विजिबल। मैंने पहले वर्टिकल लाइंस लगाई और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा के मैंने चेक पैटर्न बनाया है, और ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा रफ है एज़ कम्पेयर टू दी ओरिजिनल पैटर्न ऑफ दी पेपर। आप टच करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हम मस्टर्ड शेड यूज़ करेंगे स्टेडलर्स का, जो हमारी स्टेडलर्स पेंसिल्स हैं हम उसका मस्टर्ड शेड लेंगे और उसको डायगनली अप्लाई कर देंगे जहाँ पे हमने चेक पैटर्न बना रखा है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली नहीं अप्लाई करेंगे हम, डायगनली अप्लाई करेंगे, उससे जो हमारी वाइट लाइन्स हैं, जो चेक पैटर्न है वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल होएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एंड जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए फिर हम स्केल यूज़ करेंगे और लाइट ब्राउन शेड यूज़ करेंगे हम स्टेडलर्स का, और चाहे तो आप नॉर्मल पेंसिल कलर का भी लाइट ब्राउन शेड लेंगे और डायगनल लाइंस लगा देंगे, जैसे पहले हमने वर्टिकल लाइंस लगाई थी कंपास के साथ, अब हम वैसे डायगनल लाइंस लगा देंगे उतने ही गैप पे यूजिंग अ स्टेडलर। और पहले एक साइड लाइंस अप्लाई
अप्लाई कर देंगे, उसके बाद दूसरी साइड की लाइंस अप्लाई कर देंगे, बट जो लाइंस हैं वो हमने डायगनली ही लगानी है, बिकॉज जूट का टेक्सचर कुछ इस तरह से होता है कि डायगनल लाइंस भी विजिबल होती हैं, वर्टिकल लाइंस भी विजिबल होती हैं, तो इस तरह से दोनों लाइंस विजिबल हो जाएंगी हमारी। सो गाइज, जूट टेक्सचर की जो रेंडरिंग है वो कंप्लीट हो गई है, फाइनल लुक टेक्सचर का कुछ इस तरह से आएगा, और अभी मैं आपको क्लोज व्यू दिखाती हूँ इस टेक्सचर का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप अपनी इलास्ट्रेशंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, द लिंक इज इन द बायो। स्टे होम गाइज, स्टे सेफ।